अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ स्किन वाइटनिंग फार्मूला। जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं उनके लिए ये फार्मूला बेस्ट है, और जिनके स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं वो ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। चाहे वो नाक पर हैं आपके या फेस पर हैं, ब्लैक हेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर किसी के पिंपल्स के निशान रह गए हैं तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बेसन से बनाया गया ये फार्मूला है। 1 आपने स्पून ग्राम फ्लोर लेना है। बेसन बहुत अच्छी चीज़ है। बेसन डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, ब्लेमिश रिड्यूस करता है। बेसन आपकी स्किन को टाइट रखता है। स्किन की एंटी एजिंग स्किन है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बेसन उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन को ब्राइट भी करता है। जिनकी स्किन टोन ब्लैक है या फिर ब्राउन है उसके लिए बेस्ट है ग्राम फ्लोर। ये स्किन को लाइट करता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून शुगर। चीनी स्क्रबिंग का काम करती है, ये हमारी स्किन को ग्लो करती है। चीनी हमारे फेस पर चमक पैदा करती है। आपने देखा होगा कि जैपनीज़ की स्किन कितनी शाइन कर रही होती है। उनका ये राज है, सीक्रेट है ये, कि वो चीनी यूज़ करते हैं एलोवेरा में, बेसन में, टमाटर के ऊपर लगाकर वो यूज़ करते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने 1/2 लेमन लेना है। लीमू एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन से निशानात ख़त्म कर देता है। आपने इस तरीके से लेमन पर बेसन लगाना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। हैंड पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आप फुट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लेमन आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। लेमन से आपकी स्किन से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जब भी आप फेस पर अप्लाई करें तो नेक पर लाजमी तौर पर अप्लाई करें। लेमन से ये फ़ायदा होगा कि जहाँ जहाँ से आपकी स्किन ब्लैक है, जैसा कि फिंगर से ब्लैक हो जाती है, नेक ब्लैक हो जाती है, स्पेशली प्रेगनेंसी में ब्लैक हो जाती है, तो लेमन से वो सब ब्लैक जो पार्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो भी रेमडी आप यूज़ करते हैं फेस पर, वो नेक पर लाजमी तौर पर यूज़ किया करें ताकि आपकी स्किन टोन एक जैसी रहे। 15 मिनट तक तकरीबन आपने इसी तरह से स्क्रबिंग करनी है लेमन से। बेसन से बनाया गया मिक्सचर आप लगाते जाएं लेमन पर और स्क्रबिंग करते जाएं। स्पेशली उन पार्ट्स पर आपने अप्लाई करना है जहां जहां आपकी स्किन ब्लैक है। अगर आपकी नीज़ ब्लैक हैं या फिर आपके टखने ब्लैक हैं तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन टोन लाइट हो जाए। ये आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। वीक में 3 से 4 बार लाजमी तौर पर यूज़ करके देखें। दिन में एक बार ही यूज़ कर लें तो बेहतर है। आप इसके बाद हैंड वॉश कर लें, फेस वॉश कर लें, थोड़ा सा ड्राई होने दें, 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर आप फेस वॉश कर लें। सोप नहीं लगाना है। फेस वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी। स्किन नीट एंड क्लीन रहेगी तो आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन टाइट भी रहेगी, पिंपल्स भी नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।